गया हो बताइए। जय हिंद मित्रों, वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाया। यहाँ पर कोरबा जिले के यहाँ आईटीआई तानसेन चौक है। आईटीआई चौक पर यहाँ पर जो है समस्त सचिवों का यहाँ पर धरना है। पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल चल रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं किस मामले को लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल जो है तमाम सचिवों का जो है चल रहा है। यहाँ पर आईटीआई चौक पर सभी एकत्र हो गए हैं। ये जानते हैं कि क्या मामला है और क्यों हड़ताल पर है, क्या कुछ मांगे हैं शासन प्रशासन से आप सबों की, और काम बंद कलम बंद हड़ताल जो बैनर तले जो है अब चल रहा है, क्या है आप सबों की मांगे और अपना पद और परिचय देंगे चैनल को। सर, मेरा नाम जयपाल सिंह कंवर है और मैं सचिव संघ जिला कोरबा का अध्यक्ष हूँ। तो क्या आप लोगों की मांगे हैं, कल से आप सब जो है यहाँ पर काम बंद कलम बंद हड़ताल पर चले हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज़ से असंतुष्ट हैं आप? हमारा मांग यही है कि चार सूत्री मांग है हमारा। पहला तो ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास शासन के द्वारा बनाया जाता है और उसकी राशि जो है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के खाते में जाती है। पैसा और बैंक से पैसा कब निकालता है कब नहीं निकालता है इस चीज़ को हमको पता नहीं रहता है ना। और यहाँ से उसके बाद वो पैसा निकालता है फिर कहीं खर्च कर डालता है। गरीब आदमी तो रहते हैं बेचारे, खर्च कर डालते हैं, कुछ भी वो कर डालते हैं। यहाँ से निर्देश जारी किया जाता है कि उसको बनवाओ, आवास को प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रहा है, आवास में प्रोग्रेस नहीं आ रहा है तो इसका वेतन रोका जाए। तो इस हिसाब से ना वो हमारे 66 सचिवों का वेतन रोक दिए हैं वो, तो उस राशि को वेतन हमारे वेतन को तो कम से कम भुगतान कर दो भैया उसमें, है ना। मैंने ये तो एक सूत्रीय मांग है पहले, अभी फिलहाल इस पर आते हैं कि तमाम सचिवों का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं अज्ञानतावश और जो गरीबी है उस वक्त जब इनके खातों में पैसा चला आता है हितग्राहियों के पास तो कुछ आवश्यक कार्य हेतु वे खर्च कर बैठते हैं और नतीजतन यह होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य जो है वह रुक जाता है। अब इसमें सचिव करे तो क्या करे, यदि फंड आता है हितग्राही के खाते पे तो उसे पता भी नहीं चल पाता, या फिर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जैसे ही उसके पास फंडिंग आता है हितग्राही के साथ साथ उस क्षेत्र के संबंधित सचिव को मैसेज चला जाए उसके मोबाइल के माध्यम से, ताकि वह जानकार हो जाए और तुरंत जो है हितग्राही से संपर्क साध कर जो है पैसे जो है जो हितग्राही के खाते में पैसे आए उसको निकासी करके और उसके जो प्रधानमंत्री आवास योजना या तमाम योजनाओं में उसका जो है वह किया जा सके। कहीं ना कहीं इस लचर व्यवस्था से सचिव जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन परेशानियों की वजह से एक और परेशानी सामने आ गई है कि इनके जो है भुगतान जो पेमेंट है वह रोक दी गई है। कब से पेमेंट रोका गया? हमारे 66 साथियों का है, 2 महीने का रुका है, अप्रैल मई का। अच्छा, अप्रैल और मई महीने का जो है भुगतान वह रोक दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि आवास योजनाओं को फलीभूत नहीं कर पाए हैं बेहतर तरीके से। और अभी अभी आपकी और क्या ना हड़ताल में बैठे हैं कुछ साथियों को जारी कर दिया उसका भी तुरंत जारी कर दिया कुछ बैठे तो। और अपन का दूसरा मांग था कि हम अपन को 24-25 साल हो गया है सचिव, लेकिन आज तक ना कोई निश्चित डेट नहीं हम लोग का पेमेंट जमा करने का। कभी कुछ महीने में, 2 महीने में करते हैं, कहीं तीसरा में करते हैं, कहीं चौथा में कर रहे हैं, या कहीं उसी में कर रहे हैं, तो उसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि आज कल परसों जब मन लगे तब। इसमें भी आपकी मांग है दूसरी कि भाई समय पर भुगतान की तिथि हो जाए। बैंक से लोन लिए रहते हैं वो, बैंक तो समय पे पैसा मांगेगा, हमारे पास रहेगा नहीं तो हम कहाँ से देंगे, वो चार्ज बढ़ जाता है ई एम आई का। तो हम चाहते हैं कि एक निश्चित डेट पे दे दो भैया हर महीना, तो हमको मांगना ना पड़े। अच्छा, आप वो पेमेंट को हम मांगेंगे तब ये रोक देंगे ना। अच्छा। यहाँ चक्कर काटना पड़ता है हमको हर महीना, और जब यहाँ चक्कर काटते हुए हमें देख लेंगे तो क्या बोलते हैं मालूम है, नोटिस निकाले उसके लिए। यहाँ कोई सचिव दिखना नहीं चाहिए, दिखेगा तो उसके कहाँ नोटिस। हाँ, नोटिस निकाले हैं ना जिला जनपद सीओ को। हाँ, यहाँ से कोई बिना अनुमति के यहाँ कोई सचिव घूमेगा नहीं ऐसा। यहाँ जनपद कार्यालय जिला वाले निकाले हैं, जनपद को दिए हैं, और जनपद वाले हमको देते हैं कि भाई वहाँ फालतू मत घुमा करो। वहाँ जिला पंचायत ने निकाला है, जनपद को दिया है और जनपद ने आपको दिया। को हम आपको दे भी देंगे तो ये कहीं ना कहीं अगर आपकी व्यवस्था जो है लचर है, भुगतान के लिए इनके आना ही पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था ही क्यों ना कर दी जाए कि इन्हें आने की नौबत ना आए
महीने के 5 तारीख तक प्रत्येक महीने के 5 से 10 के मध्य इनकी तनख्वाह इनकी भुगतान कर दी जाए तो इनको आने की आवश्यकता ही नहीं है। इनका भी समय और पेट्रोल बचेगा, साथ ही आर्थिक व्यय बचेगा, क्योंकि आने जाने में जो खर्च होता है और जो समय जाता है वह बचेगा, इसमें वह विकास कार्यों में अपना समय को लगा सकेंगे। तीसरा आपका क्या मांग? तीसरा है हमारे लोग का लंबित वेतन है, मतलब कई सालों से पड़ा हुआ है, जैसे किसी किसी माह में कोई संस्थान क्या कुछ कारणवश फिर डाटा जमा नहीं कर पाता ना, तो उस माह उसको पैसा देता ही नहीं है लोग, तो लंबित में आ जाए वो, तो कई सालों से पड़ा हुआ है, तो हमारा उसमें क्या सुधार चाहते हैं? सुधार वही चाहते हैं, कुछ लंबित वेतन पड़ा हुआ उसको दे दें, भुगतान कर दे, उसको भी ये लोग कर नहीं रहे हैं। और चौथा मांग है एरियाज की राशि, तो एरियाज की राशि तो ये लोग कुछ जारी किए हैं 187 लोगों का, तो अपन की संख्या है 367, 187 लोगों का जारी किए हैं, बाकी का भी राशि है उसको जारी ये लोग कर नहीं रहे हैं, तो उसमें भी पेच फंसा दिए इसमें। अब अपन ये लोग बोलते हैं कि सचिवों की जो मांग है उसको पूरा कर दिए हैं, तो पूरा तो कर दिए हैं लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। एरियस की जो मांग है अभी अभी आपको संतुष्ट असंतुष्ट संतुष्ट नहीं है, बाधे साधियों को 187 लोगों को भेजे हैं और हमारी संख्या है 367, तो बाकी लोगों का तो मिलना चाहिए ना उसका फायदा है। तो आप अगर आपकी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं आप सबों की, इस पर कोई समाधान या निष्कर्ष नहीं निकलता है, उस अवस्था में आप सब किस तरह से काम बंद कलम बंद हड़ताल का? हाँ, अपन का काम बंद कलम बंद है ही है, अपन कलम चल ही नहीं रहा है, और जब तक हमारी चारों में एक भी नहीं मानते हैं तब तक ऐसी बैठी ही रहेंगे हम लोग। मैंने सांत्वना बस अगर एक मांग भी पूरी कर दी जाए ताकि आप लोग नहीं सांत्वना अच्छा। नहीं लिखित में सांत्वना नहीं चाहिए, मतलब अगर 4 में से एक भी मांग पूरी कर देते हैं तब जाके जो है आप सब मांग, एक मांग पूरी करते हैं सर, चारों में चारों मांग पूरी होनी चाहिए तब हम लोग काम पे वापस जाएंगे। भाई आपने कहा एक भी नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, स्पष्ट है, स्पष्ट कर दिया है तमाम सचिवों ने जिले के कि आप देख पा रहे हैं तमाम महिला और पुरुष सचिव जो है यहाँ पर लामबंद हो चुके हैं और सभी जो है काम बंद कलम बंद हड़ताल को समर्थन देते हुए यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह की जो लचर व्यवस्था बन गई है इनके भुगतान से लेकर हितग्राही के भुगतान तक, तो उस पर भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि यह सचिव जो है समय पर विकास कार्य को संपन्न करा सकें और इनका भी समय बचे और हितग्राही का भी समय पर कार्य हो सके, ताकि इनका एरियस से लेकर तमाम भुगतान जो मासिक भुगतान होता है वह भी जो है समय पर प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।